स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि धर्म वह बल है जो शक्ति और राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे खुशी है कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप मुझसे रूबरू हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि युवा जो भारत है वो युवा देश है। इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे पास बहुत ऐसी क्षमताएँ हैं, बहुत शक्ति है। अभी आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब बात करें हम, तो देश में सबसे ज़्यादा वर्किंग फोर्स भारत में है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्किंग फोर्स, और वो अभी मुझे लग रहा है कि 2057 तक रहेगी, ये कैलकुलेशन है। और हम बहुत जल्दी विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उससे पहले बहुत जल्दी ही हम विश्व गुरु की पदवी धारण करने वाले हैं, वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। और एक विकसित भारत की जो परिकल्पना मोदी जी ने की है वहाँ तक निश्चित तौर पर हम पहुँचेंगे। उसका एकमात्र कारण है हमारे युवा, हमारे यंगस्टर्स, बिकॉज टुडे द वॉइस ऑफ यूथ इज़ द वॉइस ऑफ इंडिया। और ये कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूँ। हमारे देश में बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है, बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएँ हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे देशी गाय है, अभी ये बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, बहुत बड़ी सेमिनार हो रही है। गाय में इतनी प्रबल संभावनाएँ कि हमारी पूरी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की धुरी थी गाय पहले जब कामधेनु हुआ करती थी। धीरे धीरे हमको पता नहीं है हम क्या करने लग गए हैं और उसको हमने छोड़ दिया। गाय आज गली गली घूम रही है, लेकिन आने वाला जो समय है, आपको पता होगा कि गाय के गोबर से पेपर बन रहा है, पेटेंट हो चुका है, 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये दिस इज़ द एक्चुअलाइजेशन ऑफ अवर पोटेंशियलिटी। हमारी जो प्रबल संभावनाएँ हैं उनका यथार्थीकरण है, उनकी वास्तविकताकरण है। वो वास्तविकता में जब वो शेप लेगा तो वो विकसित भारत का विजन है, और ये विजन निश्चित तौर पर साकार होगा। और आज का जो युवा दिवस है, आज का जो दिन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 160 साल पहले जब 1863 में विवेकानंद का जन्म हुआ, 40 साल से कम उम्र तक वो जीवित रहे। आज 40 साल में तो युवा थक करके वृद्ध हो जाता है, अपने आप को ऐसा है महसूस करता है। तो युवा वो है जो हमेशा एनर्जेटिक है। आपको मैं कहानी सुनाऊँ, लेकिन आपको समय नहीं होगा, कि बंदरों से घिर गए थे ये एक बार विवेकानंद, और भाग रहे थे आश्रम में, परमहंस आश्रम में वो थे। तो भागते भागते एक सन्यासी उनको देख रहा था, वो सन्यासी की तरफ मुड़े, मुझे बचा लेंगे। 10-15 बंदर उनके तरफ पीछे लपक रहे थे, भाग रहे थे। सन्यासी का रुको, पीछे मुड़ो। विवेकानंद रुके, उन्होंने कहा कि इनका सामना करो, पलायनवादी मत बनो। आप अगर पलायनवादी बनोगे, एस्केपिज्म बनोगे, तो आप युवा नहीं हो। आप रुको, मुकाबला करो समस्याओं का, संघर्ष का, उन चुनौतियों का, उन परिस्थितियों का। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप काबू ना पाओ। तो अगर रुक करके जो सामना कर लेता है वो युवा है, ये युवा है। युवा एज इज ओनली द नंबर। उम्र के आधार पर युवा और बुजुर्ग और वृद्ध और वरिष्ठ नहीं हो सकते। तो अपना देश जो है वो युवा शक्ति है। अभी एवरेज एज भी बढ़ रही है, और जो वॉइस ऑफ यूथ है वो वॉइस ऑफ इंडिया है। सबसे यंग देश है भारत, और आने वाला जो युग है, समय है, वो भारत का है, भारत का, केवल भारत का। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तिष्ठत जागृत प्रावरानी बोधत है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड। गोल क्या है? गोल है भारत को विश्वगुरु बनाना, भारत को विकसित भारत बनाना, और भारत को वही सोने की चिड़िया बनाना जो पहले था। आपको ध्यान है कि पहले, वर्षों पहले, दुनिया के लगभग सभी देशों में भारत के स्पाइसेस, जो मसाले हैं, वो निर्यात होते थे, एक्सपोर्ट होते थे। आज भी वो रेशम मार्ग है, वो सिल्क रूट है, जिसकी चर्चा होती है। हम वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उसकी चर्चा होती है। सिल्क रूट आज भी है। वो सिल्क रूट क्या था कि हमारे जहाज़ों से हमारे जो मसाले हैं साउथ के, केरला के और साउथ इंडिया के, वो पूरे विश्व में उनका एक्सपोर्ट होता था। हमारी इकोनॉमी नंबर वन इकोनॉमी थी, हमारी GDP वर्ल्ड में सबसे अच्छी GDP थी, और हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे गांव-गांव में गुरुकुल थे, पाठशालाएं थी, धीरे धीरे ख़त्म हो गया। मैकाले की शिक्षा पद्धति आ गई, अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, स्किल बेस्ड पॉलिसी है। क्या लगता है कि गुरुकुल अब कैसे धीरे धीरे वापस से उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे? क्या कारण? निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप बच्चों में संस्कार नहीं दोगे, आप उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं करोगे, ग्रूम नहीं करोगे, तब तक वो खाली भौतिकवादी शिक्षा लेकर के आगे नहीं जा सकता। क्योंकि जो सनातन है, सनातन का मतलब परपेचुअलिटी, शाश्वत इज द सनातन। तो जो शाश्वत चीज़ है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो हमेशा बना रहता है, वही हमारी संस्कृति है। और उसी में हम अगर उसको दीक्षित करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और उसमें वो मूल चीज़ों को सीखेगा, वास्तविक सीखेगा, बजाय अक्षर ज्ञान के वो अपने वे ऑफ लाइफ सीखेगा,
वे ऑफ लाइफ इज़ क्या है? वे ऑफ लाइफ हमारी कल्चर है, पूरा हमारा योगा है, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, हमारी गाय का जो प्रोडक्ट है वो सब हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो जब वे ऑफ लाइफ वो सीखेगा तो निश्चित तौर पर भारत के लिए एसेट बनेगा। तो आजकल के पेरेंट्स को क्या, मतलब बच्चों को सनातन धर्म की तरफ ले जाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए कि योगा की तरफ भी जाएं, जो जिस हिसाब से लोग बच्चे आजकल मोबाइल में लगे? मेरा मतलब यहाँ सनातन धर्म से बिल्कुल नहीं है, मेरा मतलब यहाँ सनातन संस्कृति से। धर्म जो क्या था, हमारे पुरुषार्थ होते थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। व्हाट इज धर्म? धर्म इज नॉट ए रिलीजन, धर्म इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, योर ड्यूटी, ड्यूटी टुवार्ड्स योर सेल्फ, योर फैमिली, योर नेशन, योर कंट्री, योर वर्ल्ड, जिस आप दुनिया में रहते हैं, ग्लोब में रहते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है? पेड़, पानी, पर्यावरण, प्रकृति, पृथ्वी, ये सब, इनके इनकी रक्षा के लिए क्या करना है आपको? आपको जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु और जलवायु का संरक्षण करना होगा, तब आप बचेंगे। हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं, हम तो बाहर जा रहे हैं। आज कहीं मिट्टी दिखाई नहीं देती, आज गाय कहीं दिखाई नहीं देती, दिखाई देती है तो गलियों में दे रही है, पॉलीथीन खा रही है, तो हम इसको देख ही नहीं रहे, हम सोच ही नहीं रहे। बी टू मिल्क, ए टू मिल्क, ए टू मिल्क विश्व में एक्सपोर्ट हो रहा है, दुनिया के देश ले रहे हैं। आपको, आपने देखा अजय गुप्ता जी ने अभी कहा कि इन्होंने कुवैत में 192 टन गाय का, शुद्ध देशी गाय का गोबर एक्सपोर्ट किया, और वहाँ के जो कुएं जल गए थे, ख़त्म हो गए थे, ब्लैक हो गए थे, वो सब पुनर्जीवित हो गए बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियाज एंड द लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द गाय का गोबर। जो काऊ डंग है उसके गोबर में जो वो चीज़ थी, वो शक्ति थी, कुवैत के उन तेल के कुओं को उसने पुनर्जीवित कर लिया, रिवाइव कर दिया। तो ये शक्ति है, इस शक्ति को पहचाना जा सकता है। जापान में ब्रिक्स एक्सपोर्ट हो रही है, एंटी रेडियो एक्टिव है ये, जो गाय का गोबर है वो एंटी रेडियो एक्टिव। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं गाय के गोबर से बने हुए पेपर यूज़ करता हूँ, सबको करने चाहिए। 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं गाय के गोबर से, गौमूत्र से और दूध से। तो उन सब प्रोडक्ट को लोग अपनाएंगे तो एक गाय इकोनॉमी बन जाएगी, इकोनॉमी की धुरी बन जाएगी, और पूरी अर्थव्यवस्था का जो है एक धुरी बन जाएगी, तो फिर सस्टेन हो जाएगा, और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि हम देश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे और विकसित देश, विकसित भारत 2047 का सपना पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। उत्तिष्ठ है, जागृत है, प्राप्त प्राणी बोधत है। थैंक यू।